मुंबई की फिल्म सिटी में है आज जश्न का माहौल। हर नजर को है इंतजार देखने अपने सबसे चहीते स्टार को। इंडियन आइडल का पूरा क्रू आज माधुरी मैम के लिए रुका है और हम बस वेट कर रहे हैं कि माधुरी मैम कब आएंगी। 19 साल में पहली बार इंडियन आइडल के मंच पर उतरा चांद, दीवान एंड ओनली डांसिंग एक्टिंग और खूबसूरती की डीवा माधुरी दीक्षित। एंड जेंटलमैन, आज अगर मैं पागल हो जाऊं तो मुझे माफ ना करना। आई डोंट केयर। आज खूबसूरती खुद चलकर आइडल के स्टेज पर आई है। अप्सरा गुलबदन दिलरुबा महजबी चुलबुली रस भरी एक परी नाज़नीन फूल से दिल नशीन चांदनी से हसीन जिनका नहीं है जवाब कहीं। आज इंडियन आइडल के 19 सालों में पहली बार पधारी है। मैं 200 सालों से माधुरी जी आपके लिए बस ये गा रहा हूं। हाथ मेरा थाम लो साथ जब तक हो, बात कुछ होती रहे बात जब तक हो, सामने बैठे रहो तुम रात जब तक हो। अरे रे अरे क्या हुआ मैंने ना ये जाना, अरे रे अरे बनता है तो बन जाए अफसाना। Shine.
माधुरी जी ने जो बीच में गेस्ट अपीयरेंस दिया था उसके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। क्या बात है। क्या बात है। Incredible. Outstanding, outstanding, so good. याद है इस गाने के लिए संजय लीला भंसाली सोच रहे थे कि एक क्लासिकल, उन्हें बहुत ही एक ठेठ क्लासिकल नंबर करना था, तो उन्होंने मुझे कहा कि यू नो मेरी इच्छा है कि महाराज जी ये गाना अगर कर सके तो, अगर वो करते हैं कोरियोग्राफ तो, तो मैंने कहा मैं तो पहचानती हूँ उन्हें बहुत अच्छी तरीके से, तो मैं मनवा लूँगी उनको। तो मैंने मीटिंग कराई घर पर, वो आए थे और मुझे उन्होंने कहा कि आपको छंद बोलने हैं इसमें, जो ढाए शाम रोक ले रोक ले, तो उनके साथ बैठ के उसका लहजा कैसा होना चाहिए, कैसे उसे गाना है, ऐसा आई वॉज इन हेवन यू नो ड्यूरिंग दोज डेज। और कविता जी ने जैसे गाया है गाना, वो जो ओ माई जो उनका जो एक तान वगैरह, बहुत ही बहुत अच्छा गाया आपने, सोना। थैंक यू सो मच। आपका गाना तो बहुत पसंद आया, लेकिन एक है सब लोग कहते हैं सोना ये कर सोना वो कर सोना यहाँ से आ और फिर ये कर, तो आज करके दिखाया ना आदित्य सोना ने। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम खुद और क्या कमाल का करके दिखाया, प्लेजेंटली सरप्राइज है माधुरी जी। तो मैं कुछ करना चाहूंगी ना, क्यों सोना यहाँ आओ। तो पता है जब मैं भी काम कर रही थी कभी कभी, तो मैं भी कभी कभी ऐसे लेज़ी हो जाती थी कभी कभी, मतलब इतना काम करते थे हम लोग, दो शिफ्ट तीन शिफ्ट, तो कभी कभी ऐसे बहुत मतलब नहीं आज नहीं जाना ऐसे कुछ हो जाता था कभी कभी। तो मेरे मम्मी ने मुझे एक ख़ास कुछ दिया है, एक अंगूठी दी है, और वो कहती थी कि जब भी ऐसा लेज़ी लगे ना तो इस अंगूठी को देखना और फिर ये सोचना कि नहीं मुझे ये करना ही है और बेहतर करना है, और अगर बेहतर होता है तो उससे भी बेहतर करना है आगे। जीनियस होता है 2%, लेकिन 98% परसिवियरेंस होता है, काम होता है, राइट। अंगूठी को देखना और याद करना माधुरी जी ने ये कहा था। चलिए बुलाते हैं अगली कंटेस्टेंट को, 14 फरवरी को जिनके लिए दर्शन देगा उनका सीक्रेट दीवाना, छूकर अयोध्या की धरती विदिप्ता चक्रवर्ती। कब तक चुप बैठे, अब तो कुछ है बोलना, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले ओ झोलना। आशिक है मैं तेरी, आशिक
गानों से मुझे याद आया कि गाना था तू शायर है मैं तेरी शायरी, तो हम तू शायर है ये चल रहा था, तो मुझे जो हमारे कोरियोग्राफर थे चिन्नी प्रकाश, उन्होंने कहा इसके लिए आपको एक मूवमेंट बहुत कमाल की देता हूँ मैं, तू शायर है, तू शायर है। अच्छा, और मैंने मुझे जब ये दिखाया तो मैंने बोला ये क्या मूवमेंट हुई, ये कौन सा शायर है, ये कैसा शायर होता है। तो मैंने सोचा नहीं नहीं कुछ और हो सकता है, तो ही वॉज वेरी एडामेंट, नहीं नहीं आप देखना ये फेमस होगा। तो मैंने कहा मुझे पता नहीं, मतलब मैं कर लेती हूँ, ऐसे कोई ये नहीं है, सो आई डिड इट। और मुझे कभी मतलब सपने में भी नहीं सोचा था कि ये एक्शन इतनी फेमस हो जाएगी। मैंने पता है आपका माई नी माई देखा था गाना जो आपने गाया था तभी, और सूरज जी भी यहाँ पे थे और उन्होंने कुछ कहा था आपको। मैं चाहूँगी कि मैं आपको एक डायलॉग देती हूँ, मेरा ही डायलॉग है मेरी फिल्म का, और आप उसे एक बार एक्सप्रेशंस के साथ बोल के मुझे बता देना, ओके? ये मेरा दिल तो पागल है में था ये डायलॉग, तो डायलॉग है कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेरे लिए बनाया गया है और कभी ना कभी मैं उसे ज़रूर मिलूँगी। ये डायलॉग आपको बोलना है, रोमांटिक डायलॉग है, आपको अगर इंस्पिरेशन चाहिए तो आप यहाँ किसी को भी देख के बोल सकते हैं, बैठे यहाँ पे किसी को भी किसी नहीं, ऋषि को भी देख के बोल सकते, क्यों नहीं, किसी को भी, ऋषि को भी, किसी को भी, ऋषि को भी, किसी को भी आप देख के बोल सकते हैं डायलॉग, है ना। सो कैन यू से द डायलॉग, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेरे लिए बनाया गया है और कभी ना कभी मैं उससे ज़रूर मिलूंगी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे, वेरी वेरी गुड, थैंक यू, बहुत अच्छे, मजा आ गया। चलिए बुलाते हैं अगले कंटेस्टेंट को, पापा शिवम। कहाँ हो तुम शिवम, 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 शिवम। अरे अरे अरे, वो ऐसे नहीं आने वाला जी, माधुरी जी जब मैं बुलाऊंगी तब वो आएगा। मैंने अपने टीम को और इनके टीम को, मुझे पता था मैं आने वाली हूँ तो मैंने बोल के रखा है जी कि शिवम जो है ना, एक तो आप लोगों ने उसको बदाम कर रखा है, पापा 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 बुला के, 19 साल का बच्चा है वो जी, और उसको तुम पापा बुला रहे हो, व्हाट इज दिस, डिडंट यू नो इट्स बैड मैनर्स। तो जी मैंने मेरी टीम को और यहाँ की टीम को कहा कि मैं उसे एक नया लुक देने वाली हूँ शिवम को, ही इज गोइंग टू कम इन अ न्यू लुक। अब आप जो देखेंगे शिवम को वो है शिवम 2.0। जी हाँ, मैं हूँ खलनायक। ओ वाओ, यस, क्या बात है, नायक नहीं हूँ मैं, नायक नहीं नायक हूँ मैं। कौन है ये, क्या बात है, शिवम, शिवम 2.0। एक्चुअली क्या है ना माधुरी जी, आप शिवम को अच्छे से जानती नहीं है, आपके जाते ही वही धोती गमछा लोटा ये फिर वही पे, मैं बता रहा हूँ माधुरी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल शिवम की आदत उसे पास नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, उसको बोलो chill bro, chill, just chill bro, हाँ, just chill। शिवम, yes ma'am, तुम्हें मेरी कसम है, खत्म, oh my god, अगर तुमने change किया अपने आप को, बिल्कुल भी नहीं मैम, और परिवर्तन संसार का नियम भी है। ओह अच्छा,
मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा दिखूंगा, मतलब इतना अच्छा भी मैं दिख सकता हूँ ये. बहुत अच्छे लग रहे हो शिवम. थैंक यू सो मच. बहुत अच्छे लग रहे हो. वेरी गुड. चलिए बुलाते हैं अगली कंटेस्टेंट को. इस डेकेड की सिंगर सबसे खास आदर्श बेटी शेजूती दास. तुमसे अरे
क्या गाने हैं और क्या काम किया है आपने इन गानों में. एक बार माधुरी जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए. संजुती, आपकी इतनी सुरीली आवाज है, मैं क्या कहूँ. बहुत बहुत अच्छा गाया आपने. मतलब मुझे आप पता है उस वक्त में ले गए जब शूटिंग चल रही थी, सब यादें आ रही थी मुझे. थैंक यू. जब बहुत प्यार करते हैं कि शूटिंग चल रही थी, तभी पियानो था और पियानो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट. तो मैंने कहा मुझे तो आता नहीं है प्ले करना, तो उन लोगों ने पियानो में से धुआं निकाला था ऐसे, ताकि हाथ के एक्शन ज़्यादा नज़र ना आए. पर मैम, जब हम देख रहे थे तो हमें तो ऐसा ही लग रहा था कि आप ही बजा रही हैं. और अगर आप बुरा ना माने तो कई साल बाद क्यों ना हम उसी पल को इंडियन आइडल के स्टेज पर रिक्रिएट करें. माधुरी दीक्षित आपके सामने लाइव लिप सिंक कर रही हैं आपका गाना. माइंड ब्लोइंग. मेरे पूरे करियर में जो यंगेस्ट लड़की है उसने मेरे लिए गाया. माधुरी जी, जी कुछ एपिसोड्स पहले हमारे देश के शोमैन सुभाष घई जी इंडियन आइडल पर आए थे और उन्होंने फिल्म खलनायक के एक बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग्स चोली के पीछे के बारे में एक कहानी हमारे साथ शेयर की थी. माधुरी जी, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. माधुरी वर्क्ड वेरी हार्ड इन दिस सॉन्ग एंड मजे की बात यह कि जब गाना शुरू सेट पे फर्स्ट डे शूटिंग थी, बहुत रिसल की थी बेचारी ने, बहुत अच्छा काम किया. जब पहले दिन जब शूटिंग थी तो बीमार हो गई, बुखार आ गया हमको, और हमने
सब डांसर्स पूरा सेट बना के रखा था, तो उसके बिना तो गाना नहीं शुरू हो सकता था. बिल्कुल. तो नीना गुप्ता जी वो भी इन आएंगे यहाँ पर. मैंने नीना जी को पूछा, नीना जी आपको डांस आता है? और यार मत मरवाओ, पहला दिन है, मुझसे कहाँ होगा डांस. तो मैंने सरोज को बुलाया, मैं बोला सरोज देखिए डांस करेगी माधुरी और एक्सप्रेशन करेंगे ये. माधुरी जी आपको बुखार था, बुखार में आपने ऐसा परफॉर्म किया है और आपकी परफॉर्मेंस को देखकर पूरे देश को जो बुखार चढ़ा है वो अलग बात है. इन्फेक्शियस था, कंटेजियस था. तो माधुरी जी मैं ये कह रहा था कि आज आपकी तबीयत कैसी है? तो माधुरी जी अगर आप हाँ कहें तो हम लाइव इस गाने की एक छोटी सी झलक देखना चाहते हैं. ऑडियंस कम ऑन यार, थोड़ा जोश दिखाओ. कम ऑन एचआर विशाल सर. बसाऊं अब बिन तेरे
मुझे पता है इनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगी. इनकी आवाज़ में एक हस्कीनेस है, एक बैरिटोन है, एक ईज है, और मतलब रोमांटिक गाने बहुत अच्छे लगते हैं आपकी आवाज़ में. सो आई रियली रियली लव्ड योर वॉइस. थैंक यू सो मच. आपकी आवाज़ मतलब याद रहेगी, इवन व्हेन आई गो बैक, आह जैसे होती है ना, जैसे बहुत बहुत खूबसूरत. सो मच मैम, थैंक यू. सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू मैं टीका नाम. सांसों की माला पे सिमरू मैं टीका नाम. सांसों की माला पे सिमरू सांसों की माला पे सिमरू मैं. प्रेम के मन की माला जपते जपते हो गई मैं बदनाम. सांसों की माला पे सिमरू मैं टिकाना. जीवन का सिंगार है प्रीतम, मांग का है सिंदूर, मांग का है जीना है किस काम. सांसों की माला में सिमरू मैं टीका नाम. सांसों की माला में सिमरू मैं टीका नाम. प्रेम के पथ पर चलते चलते हो गई मैं.
माधुरी जी, आपकी मौजूदगी ने हमारे इंडियन आइडल के सेट पर 400 चांद लगा दिए हैं और हमारी पूरी टीम से मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप स्टेज पर आइए। एक आखिरी चीज है माधुरी जी, जो हम आपके लिए करना चाहते हैं, आप इस दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाएं हैं। आपने कभी भी किसी पेजेंट में हिस्सा नहीं लिया है जैसे मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड होता है, लेकिन हमें कोई भी शक नहीं है कि अगर आप इन कॉम्पिटिशन्स में कभी भी भाग लेती तो सबसे पहले तो ये उनकी बहुत बड़ी खुशनसीबी होती और दूसरी बात ऑब्वियसली आप ही ये ताज जीतती। लेकिन आज एक स्पेशल ताज है जो हम आपको देना चाहते हैं हमारे इंडियन आइडल के परिवार की तरफ से। To the super beautiful, super graceful, and the super legend of all time. Ma'am, एक आखिरी छोटा सा सरप्राइज हमारे सारे इंडियन आइडल के बच्चों की तरफ से आपके बैंड म्यूजिक। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.